अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हम फिर एक बार इफ्तार की तैयारी के लिए कुछ बनाने लगे हैं। सॉरी, मैं नहीं बनाने लगी, बनाने लगी मेरी नन मारिया जी। मारिया आप बताएं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जी, आज मैं बनाने लगी हूँ क्विक एंड इजी बॉयल्ड एग सैंडविच, जिनके लिए हमें चाहिए 3 eggs बॉयल्ड, हार्ड बॉयल्ड, ठीक है। ओके और जब भी आप एग बॉयल कर रहे हो उसमें आप नमक डाल लें और सिरका, ठीक, ठीक विनेगर। उससे बहुत अच्छे हो जाते हैं और टूटते भी नहीं कभी अंडे। ठीक उसके बाद उसके लिए मायनीज, मस्टर्ड सॉस बिल्कुल थोड़ी सी डालेंगे, नमक एंड काली मिर्च, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको और ब्रेड लेंगे, ब्रेड लेंगे और मार्जिन हम लेंगे उसको टोस्ट करने और के लिए, आपने ताकि इसकी साइड्स जी कट कर लेंगे साइड्स, उसका मजा नहीं आता सैंडविचेस और में। और मार्जिन उस चलिए मार्जिन से हम बटर से टोस्ट करेंगे। चलें, ठीक है। ठीक है और आप स्टार्ट करें जी, इसको मैं करूंगी अच्छे सा मैश, ठीक, फॉक से कर लें अच्छा हो जाएगा। ठीक, ये तो काफी हार्ड है जी, हमें हार्ड चाहिए ना, ताकि वो हमारे वो बिल्कुल एक पेस्ट ना बन जाए। कि हमें पेस्ट नहीं चाहिए, हमें पीसेस चाहिए क्या है हमारे मुंह में। और ये बहुत जल्दी तैयार होती है और तारी में तो वैसे ही बहुत टाइम शॉर्ट होता है और लाइट भी होती है, हैवी भी नहीं होती। हमें ऐसे लग रहा है ना कि माइनीज है इसमें, हैवी होगी, पर आप लोग जरूर ट्राई करें, ये लाइट लगता है और सबको, मेरे घर में तो सबको बहुत अच्छा लगता और है। मारिया बहुत अच्छी स्पीच दे रही है क्योंकि मारिया बहुत अच्छी टीचर है इसलिए। जी ठीक है, ऐसे स्मैच करेंगे इसको। मारिया आपने कहाँ टीचिंग की है? मैंने गजाली में की थी, गजाली इंटरनेशनल में। और अब मैं होम ट्यूशन दे रही हूँ। ठीक, और अगर कोई लेना चाहे तो प्लीज कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अभी तो कोरोना की वजह से सब बंद हुआ है, सब बंद हुआ है, स्कूल्स का तो पता भी नहीं है कि आप कब खुलेगा, कुछ भी नहीं पता। इस साल तो मुश्किल है कि स्कूल दोबारा रीओपन हो। चलिए अल्लाह ताला बेहतर करे जी, इंशाल्लाह। चलिए अच्छी तरह ये हो गए, देखें ऐसे होने चाहिए पीसेस भी, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करेंगे माइनस, कितने, 2 to 3 spoons। ओके, ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको ज़्यादा मायनीज अच्छी लगती है आप ज़्यादा डाल लें तो 3, जैसे आप 3 egg ले रहे हैं 3 spoons, ठीक है। साथ ही मैंने नमक ले लिया, तो ये सब चीज़ें हसबे ज़रूरत होती हैं जब आपको, और आपके टेस्ट के हिसाब से भी हाँ, होती है ना, आप जो नमक ले लिया और अब काली मिर्च, मुझे लग रहा है कि ज़्यादा, इसलिए मैं अच्छा मैं जब मिक्स करूँगी ना मैं देख लूँगी कि मुझे काली मिर्च की और ज़रूरत है या नहीं, उसके टेक्सचर से पता चल जाएगा। ठीक है, और मस्टर्ड सॉस थोड़ी सी बिल्कुल टेस्ट के लिए, दैट्स इट, बस। स्टार्ट करने लगी जी, अब मैंने जो मिक्सचर बनाया है ना मैं उसको अब ब्रेड पे स्प्रेड करूँगी। ठीक ठीक है, और ये बहुत इजी है, फटाफट बस मिक्सचर बनाया आपने और उसको स्प्रेड करके टोस्ट कर लिया। ये तो मेरे ख्याल से शायद बस अंडों में टाइम लगेगा बॉयल होने में, बस बाकी तो बहुत इजी है, आपने देखा बस। और इतने इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है कि आपको प्रॉब्लम्स हो। अगर आपके पास मस्टर्ड सॉस नहीं है आप नहीं डालें, इट्स ओके। ये देखिए हम इसी तरह सारे अपने सैंडविचेस रेडी कर लेंगे। चलें ठीक है जी मारिया। अब जी, अब मैंने रख दी थी क्योंकि इफ्तारी से पहले बिल्कुल टोस्ट करने थे ताकि गरम गरम रहे और क्रिस्पी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मार्जिन लेंगे, ठीक है, ठीक है, बटर मार्जिन ही ले सकते हैं, कुछ और बटर ले लें तो मार्जिन के लिए जो सॉल्टी होता है तो आपको ज़्यादा टेस्ट आता है, ठीक, और इससे ज़्यादा क्रिस्पी बनते जो मुझे लगता है। अच्छा ज़्यादा क्रिस्पी हो तो हम उसको बार बार हिलाते रहेंगे ताकि हमारा फुली टोस्ट हो अच्छी तरह। इस तरह आप करते रहे, हमें फुली टोस्ट चाहिए और हल्की आंच पे कीजिएगा ताकि आप लोगों के वो ब्लैक किश ना आए, ब्राउनिश क्रिस्पी रहे। भाई हम साथ इसके 2-3 नहीं रख सकते इकट्ठे, रख लें क्योंकि इफ्तारी का टाइम है और सुफरे की जल्दी है और बस बिल्कुल 4 मिनट, और पीछे से आवाज़ें भी आप सुन सकते हैं किस तरह की आ रही हैं कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं फटाफट करती हूँ, ठीक है, ताकि हमें टाइम हमारा बच जाए, टाइम बच जाए। क्या आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है और
आप आराम से घर में बना सकते हैं, तो कुछ ऐसा भी नहीं है कि आपको बाहर जाना पड़े किसी चीज़ के लिए। हाँ, सब कुछ घर पे इजीली अवेलेबल होता है। देख रही हैं आप रेसिपी मारिया, प्लीज बताएं। जी, हम टोस्ट कर चुके हैं, अब इसकी भाभी कटिंग करेंगी। ठीक है, मैं टोस्ट कर रही हूँ बाकी सैंडविच, और आप कट करेंगी ऐसे जी। इसके दो पीस कर सकते हैं, चाहे तो आप खुद भी रखें, लेकिन इस तरह अच्छा लगता है। और हम सारे इस तरह कर लेंगे। वो देखिए मारिया बना रही है, तो इफ्तारी का टाइम है, तो क्या नाम है, आप भी रेसिपी ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा, और मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।